तो कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान को अब बहुत बड़ा झटका लगा है। विदेशों से मिल रही खैरात जैसे ही मिलनी बंद हुई तो पाकिस्तान की सरकार बौखला गई। और पाकिस्तान ने जैसे ही आईएमएफ की शर्तें मानने के बाद अपने रुपए को बाजार में खुला छोड़ा, उसमें डॉलर के मुकाबले 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई। रुपया जैसे ही गिरा, सोने ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। अभी और कंगाल होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान पर महंगाई का डबल अटैक। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ना तो वहां के हुक्मरानों को कुछ समझ में आ रहा है और ना ही जनता को राहत मिलती दिख रही है। नतीजा, पाकिस्तान की शाबाद सरकार महंगाई कम करने का जो भी जतन कर रही है वो उल्टा पड़ रहा है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और जनता का गुस्सा भी लगातार भड़क रहा है। डॉलर के आगे पाकिस्तान का रुपया पस्त। सोने ने भी दिखाए तेवर। महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये में एक ही दिन में करीब 25 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 255 पहुंच गया है। इतना ही नहीं, इसका असर सोने के दाम पर भी पड़ा। वहां एक दिन में ही एक तोले सोने की कीमत में 5,000 की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 1,95,500 तक पहुंच गई। आईएमएफ की शर्तों ने बढ़ाई परेशानी। उधारी रोकते ही दिक्कतें बढ़ी। पाकिस्तान में महंगाई अब तक के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है। अनाज और सब्जियों में तो जैसे आग लगी हुई है, जबकि बिजली संकट की मार तो पाकिस्तान झेल ही रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने आईएमएफ से कर्ज मांगा, लेकिन आईएमएफ ने पाकिस्तान को कह दिया कि उधार केवल एक सहारे के तौर पर मिल सकता है, लेकिन कमाई का विकल्प नहीं बन सकता। जैसे ही पाकिस्तान ने आईएमएफ की शर्त मानी और अपने रुपए को खुले बाजार की कीमत के हिसाब से खुला छोड़ा, वो औंधे मुंह गिर गया। पाकिस्तान को ये फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार काफी खाली है। वो विदेशों से आयात नहीं कर पा रहा है और जो देश पाकिस्तान से दोस्ती की कस्में खाते थे वो भी अब पाकिस्तान से किनारा कर रहे हैं। चीन तो पहले ही उसे कर्ज के जाल में फंसा चुका है और अमेरिका ने भी मेहरबानियां करनी बंद कर दी। पाकिस्तान को यह फैसला इसलिए भी लेना पड़ा क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली है, जिसकी वजह से वो कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा। यही नहीं, जो देश पाकिस्तान के साथ दोस्ती की कस्में खाते थे वो भी अब उससे किनारा कर रहे हैं। चीन तो उसे कर्ज के जाल में फंसा ही चुका है, अमेरिका ने भी उस पर मेहरबानियां बंद कर दी है। यहाँ तक कि मुस्लिम देशों के साथ हमेशा खड़े रहने वाला सऊदी अरब भी पाकिस्तान को बीच मझधार में छोड़ चुका है। इसीलिए आईएमएफ के आगे झुकने के अलावा पाकिस्तान के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। गेहूं की किल्लत ने पाकिस्तान को उस हालत में पहुंचा दिया है जहां पर लोग भूखे रहने को मजबूर हैं। आटा रोटी ही नहीं है और पाकिस्तान में पानी की भी अब भारी कमी देखने को मिल रही है और लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं बचा है। एक तरफ पाकिस्तान में लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ सरकार सांसदों का बजट बढ़ा रही है और साथ ही जजों के बंगलों के रखरखाव के लिए करोड़ों का बजट दे रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, विनाश काले शरीफ बुद्धि। रोटी रोटी को मोहताज हुआ पाकिस्तान। एक पूरी आटे के लिए सड़क पर संग्राम। पाकिस्तान की बिजली भी हुई गुल। अब पानी के लिए भी तरसे लो। पहले से ही आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
पाकिस्तान में एक संकट अभी खत्म नहीं हुआ कि नया संकट सामने आकर खड़ा हो गया। बदहाली से जूझते पाकिस्तान में पहले ही लोग एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। वहां आटे दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं। हालात ये हैं कि एक एक बोरी आटे के लिए लोग एक दूसरे पर हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे। मुल्क नहीं आए उन बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने के लिए। क्या हुआ आप खुद ही देख ले कितनी महंगाई है। वाम रोटी पूरी घर की खाना पूरा करे बच्चों को पढ़ाए कैसे करे कैसे बच्चों को पढ़ाए। रोटी के लिए मारामारी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में भूखी मर रही आवाम तस्वीर पेश कर रही है। लोग आटे से लदे ट्रकों का कई किलोमीटर तक पीछा कर रहे हैं। एक एक बोरी के लिए लोग आपस में झगड़ रहे हैं। आदमी भूखा मर रहा है कारोबार है ही नहीं है। ये शो के लिए आटा रख दिया है ये आटा मिल रहा है बस ये दिखावा दे दिया इन्होंने। कोई चक्कर नहीं कोई चक्कर नहीं है। आटा लेने गए आप आटा ले वो कापी दिखाओ तो आटा मिलेगा वैसे आटा मिलता ही नहीं। ऐसे हालात में पाकिस्तान को एक और झटका लगा है और वो है पानी की समस्या। क्योंकि पाकिस्तान में अन्न के साथ साथ अब पीने के पानी की नई समस्या हो सकती है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कई राज्यों में पानी की कमी है। सिंध और बलूचिस्तान में पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के कई इलाकों में पानी की कमी हो गई है और यह समस्या विकराल होती जा रही है। दरअसल प्रशासन की कमी और देखरेख के अभाव की वजह से कई प्लांट्स बलूचिस्तान में खराब पड़े। सिंध और बलूचिस्तान में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के कई इलाकों में पानी की भारी कमी हो गई है और ये समस्या विकराल होती जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की लापरवाही और देखरेख के अभाव में पीने के पानी के प्लांट्स खराब होते जा रहे हैं जिससे वहाँ की समस्या बढ़ती जा रही है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान के 25% लोगों को ही पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है। कुछ ऐसे ही हालात वहां के सिंध प्रांत में भी हैं। वहीं पंजाब में भी पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। पंजाब में 1,27,800 क्यूसेक पानी की जरूरत है जबकि वहां सिर्फ 53,100 क्यूसेक पानी की ही आपूर्ति हो पा रही है। पाकिस्तान कर्ज के बोझ से इतना दब गया है कि अब देश भूखा मरने के मुहाने पर पहुंच गया है। एक तरफ पाकिस्तान में न आटा है न बिजली और कई इलाकों में तो पानी तक खत्म हो गया है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार ने विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत को सिद्ध कर दिया है। पाकिस्तान की आवाम एक तरफ भूख के मारे दम तोड़ रही है वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार ने विकराल होती जा रही खराब आर्थिक स्थिति के बीच पाकिस्तान के सांसदों पर पैसों की बारिश कर दी है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने सांसदों के विवेकाधीन खर्च के लिए 9,000 करोड़ रूपए तक बढ़ा दिया है लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार जनता को रोटी मुहैया कराने के बजाय जजों के सरकारी आवास के मरम्मत के लिए 85 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से आवंटित कर दिया है। यानी पाकिस्तान की सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं। शहबाज शरीफ सरकार ने सांसदों के विवेकाधीन खर्च को 9,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों तक बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं जनता को रोटी मुहैया कराने के बजाय पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने जजों के आवासों के मरम्मत और रख रखाव के लिए सरकारी खजाने से करीब 85 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। पाकिस्तान का ये फैसला चौंकाने वाला है क्योंकि आर्थिक संकट के बीच वो अमेरिका और यूएई समेत कई देशों से मदद की गुहार लगा चुका है। इकॉनमी इस कदर ध्वस्त हो चुकी है कि श्रीलंका जैसे हालात बनते जा रहे हैं। इन सब के बावजूद सांसदों और जजों पर दिल खोल कर खर्च किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान की नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी की तरफ से सांसदों के खर्च बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। कहते हैं कि अगर जमीन की जंग जीतनी हो तो आपके पास बेहतरीन सेना के साथ सबसे बेहतरीन टैंक और तोपें होनी चाहिए। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन की तरफ से दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली टैंकों में शामिल लेपर्ड 2 और चैलेंजर 2 उतरने वाले हैं। लेकिन सबसे खतरनाक साबित हो सकता है अमेरिका का एब्रम्स टैंक जिसके बारे में खबर यह है कि अमेरिका एब्रम्स टैंक की सीरीज के सबसे एडवांस टैंक को यूक्रेन भेजने वाला है जो जंग की सूरत बदल सकता है। लेकिन अमेरिका इन टैंकों में कुछ बदलाव करने के बाद ही इन्हें यूक्रेन सबको सप्लाई करेगा। ये जंग और भी ज्यादा आक्रामक और ज्यादा घातक होती जा रही है।
रूस भड़का हुआ है। अमेरिका, कनाडा और यूरोप के मुल्क यूक्रेन को टैंक देने का ऐलान कर रहे हैं और पुतिन के खेमे में इसे लेकर बौखलाहट है। जिसका नतीजा हुआ कि 26 जनवरी को पूरे यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया गया। इस बीच में अमेरिकी मीडिया से जो खबर आई है उससे पुतिन का गुस्सा और ज्यादा भड़क सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने जिन 31 एब्राम टैंक की डिलीवरी का ऐलान किया है वो सबसे नया वर्जन वाला होगा। यूक्रेन को अमेरिका देगा M1A2 टैंक। एब्राम्स टैंक का सबसे नया वर्जन M1A2। इससे पहले M1A1 टैंक देने की खबर थी। M1A2 की टॉप सीक्रेट तकनीक नहीं देंगे, सीक्रेट रक्षा कवच निकालकर भेजेंगे। रक्षा कवच में यूरेनियम सेरेमिक भरा होता है। 120 mm के रॉकेट पर यूरेनियम कोर भी नहीं मिलेगा, रॉकेट पर टंगस्टन कोर दिया जाएगा। अमेरिका अपनी सीक्रेट तकनीक भले ही साझा ना करे लेकिन इसके बावजूद M1A2 एक कातिल मशीन साबित होने वाली है। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि यूक्रेन को एब्राम्स की डिलीवरी मार्च के आखिरी दिनों में ही हो सकेगी और वो भी तब जब इसके लिए यूक्रेन के जवानों को टैंक ऑपरेशन के लिए ट्रेन किया जा सकेगा तब। यही नहीं, बाकी देशों से भी टैंकों की नई खेप यूक्रेन को तुरंत नहीं मिलने वाली। ब्रिटेन से चैलेंजर 2, जर्मनी, पोलैंड, द नेदरलैंड से लेपर्ड 2 टैंक्स को भी यूक्रेन पहुंचने में कम मार्च तक का समय लग जाएगा क्योंकि इससे पहले यूक्रेन की सेना को इन टैंकों पर प्रशिक्षित करना होगा। जबकि जिस तरह से रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे रहा है, ज़ेलेंस्की को अर्जेंटली ना सिर्फ टैंकों और आर्टिलरी की बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम और उसमें इस्तेमाल होने वाली मिसाइलों की जरूरत है जो फिलहाल तो यूक्रेन पहुंचती नहीं दिख रही है। वहीं रूस जिस तरह से एक बार में दर्जनों मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है, लगता नहीं है कि पुतिन के जखीरे में हथियारों की कमी है और पुतिन पर भी प्रेशर है कि वो जंग के एक साल होने से पहले एक माकूल जीत दर्ज करे, नहीं तो मॉस्को में उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, M1A2 एब्राम्स के उत्पादन क्षमता की कमी का दावा किया गया। बताया गया कि अभी ताइवान और पोलैंड के ऑर्डर बाकी हैं। वैसे भी अमेरिका एक महीने में 12 एब्राम्स टैंक बनाने की ही क्षमता रखता है। फिलहाल प्रोडक्शन लाइन पर सिर्फ M1A2 टैंक ही है, इसलिए अमेरिका अभी यूक्रेन को पुराने M1A2 टैंक दे सकता है। और अगर यूक्रेन में अमेरिका का लीथल टैंक का M1A2 एब्राम्स उतरता है तो यकीनन रूस अपने सबसे एडवांस T-14 आर्मटन टैंक को उतार सकता है, यानी जंग के मैदान में T-14 और M1A2 का मुकाबला हो सकता है। ये मुकाबला कैसा होगा, सबसे पहले आपको ये खासियतें समझाते हैं। सबसे पहली खासियत, T-14 की टॉप स्पीड अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो M1A2 एब्राम्स की टॉप स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ ही T-14 में सिर्फ जवानों की जरूरत होती है तो M1A2 एब्राम्स के लिए 4 जवानों की जरूरत होती है। और वहीं अगर वजन की इसकी बात की जाए तो T-14 अमार्टन M1A2 एब्राम्स के मुकाबले काफी हल्का है। इतना ही नहीं, मुख्य गन यानी कि जो तोप होती है उसके मुकाबले में भी T-14 काफी भारी पड़ता है, जबकि दूसरी गन के मामले में दोनों एक जैसे हैं। और T-14 रेंज की अगर बात की जाए तो रेंज के मामले में M1A2 एब्राम्स से आगे है। एक बार फुल टैंक के साथ T-14 अगर 499 किलोमीटर तक ऑपरेट कर सकता है तो वहीं M1A2 एयरबेस 426 किलोमीटर तक ही चल सकता है। यानी कि आप समझिए, हालांकि M1A2 जो है वो दुनिया का सबसे सुरक्षित टैंक माना जाता है जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया कि न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल हमलों से बचाव किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस के T-14
टैंक का जो रक्षा कवच है वो कमजोर है, ये न्यूक्लियर बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक से क्रू को बचा सकता है। और रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बार फिर से वीडियो जारी किया है जिसमें मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला करते हुए दिखाया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक MLRS स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को मध्य सैन्य जिले में अंजाम दिया गया। दावा किया गया कि ग्रेड रॉकेट लॉन्चर के हमले से यूक्रेन के D-20 होवित्जर और एक हथियार गोदाम को निशाना बनाया गया। बीच एक और बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। बता दें यूक्रेन ने 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स का बहिष्कार करने की धमकी दे दी है। यूक्रेन ने कहा कि अगर पेरिस में ओलंपिक्स में रूस और बेलारूस के खिलाड़ी शामिल होते हैं तो यूक्रेन ओलंपिक्स का बहिष्कार करेगा। तो यूक्रेन के साथ अभी रूस की जंग जारी है और दूसरे युद्ध के मोर्चे की सुगबुगाहट भी सुनाई देने लगी है। यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क मालदोवा को कि राष्ट्रपति ने नेटो में जाने का संकेत दिया तो मॉस्को में पुतिन के सांसद भड़क उठे और उन्होंने मालदोवा को बर्बाद करने की धमकी दे डाली। यहां तक कि ये भी कह डाला कि अगर नेटो में जाने की सोची तो उनके लिए आत्मघाती कदम होगा। ग्यारह महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया। रूस यूक्रेन को झुकाने के लिए विनाशक हथियारों का ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे यूक्रेन के जर्रे जर्रे में बर्बादी समा जाए। यूक्रेन के खूबसूरत शहरों में मातम ही मातम नजर आ रहा है। जिधर देखो उधर बर्बादी और तबाही नजर आती है। जो इलाके अब तक बचे हैं वो अपनी बर्बादी के इंतजार में है। दहशत के साए में जीने को मजबूर है। मोल्दोवा भी वही गलती कर रहा है जिस गलती को लेकर यूक्रेन आज भी रूस के हमलों का खामियाजा भुगत रहा है। मोल्दोवा का नेटो के प्रति झुकाव उसे रूसी कहर की ओर ले जा रहा है। मॉस्को से आ रहे इशारे बता रहे हैं कि क्रेमलिन का पारा हाई है और मोल्दोवा को वही कीमत चुकानी पड़ सकती है जो यूक्रेन फिलहाल चुका रहा है। मोल्दोवा के राष्ट्रपति माइया संदू ने करीब एक हफ्ते पहले नाटो में शामिल होने के संकेत दिए थे और उसी के बाद मॉस्को के सियासतदान मोल्दोवा को यूक्रेन की याद दिलाने लगे हैं। रूस के दो प्रभावशाली सांसदों की धमकी, नाटो सदस्यता पर मोल्दोवा को चेताया, मोल्दोवा को बर्बाद करने की धमकी, मोल्दोवा के आत्मघाती रास्ते पर जाने का दावा, स्वेतलाना जुरोवा और लियोनिद क्लाशनिकोव की धमकी। मोल्दोवा के राष्ट्रपति माइया संदू के बयान ने क्रेमलिन में खलबली मचा दी है। रूस भड़का हुआ है और पुतिन की सरकार के साथ साथ सांसदों ने भी मोर्चा खोल दिया है। जाहिर है पुतिन का प्लान है ताकि मोल्दोवा नेटो के करीब जाने से भी 100 बार सोचे। क्या हम ये अकेले कर पाएंगे या हमें बड़े गठबंधन का हिस्सा बनना होगा, और अगर इस पर एक देश के तौर पर हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो हमें अपनी तटस्थता को बदलने की जरूरत है और ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होगा। मोल्दोवा के राष्ट्रपति जिस गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं उसका इशारा नेटो की ओर है और फिलहाल रूस के पुराने साम्राज्य के मुल्कों को नेटो का हिस्सा बनते हुए नहीं देखना चाहता। वही मोल्दोवा को डर सता रहा है कि उसकी सीमा में रूसी मिसाइलें गिरी हैं। कई मिसाइलें मोल्दोवा के ऊपर से गुजरी हैं और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोल्दोवा में एक एक्सीडेंटल मिसाइल चलाकर रूस इसी बहाने हमले के दूसरे मोर्चे को खोल सकता है। मोल्दोवा के पूर्व में यूक्रेन से सटे एक हिस्से पर रूसी समर्थन से अलगाववादियों का कब्जा है और उस हिस्से को बेस बनाकर रूस मोल्दोवा को कुछ ही दिनों में घुटनों पर ला सकता है। यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में मौजूद मोल्दोवा कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है। मोल्दोवा को डर सता रहा है कि अगर रूस युद्ध जीता तो अगला हमला उस पर होगा। इसी डर से मोल्दोवा में यूक्रेन युद्ध के 10 दिन बाद ही मार्शल लॉ लगा दिया गया। मोल्दोवा में एक और युद्ध का मोर्चा खोलता हुआ दिख रहा है।
नाटो खुद को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मुल्कों को अपना सदस्य बनाकर अपना खोनबा बढ़ाना चाहता है और रूस नाटो की बढ़ती ताकत को अपने मुल्क के लिए खतरा मानता है। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन को जंग के मैदान में तब्दील किया और यही वजह है कि वो मालदोवा को भी धमकी दे रहा है। रूस और यूक्रेन में वार पलटवार का दौर जारी है और रूस ने एक दिन पहले ही यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। वहीं यूक्रेन ने व्लादिमीर पुतिन पर गंभीर आरोप लगाए, दावा किया कि रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से भी जोरदार खौफनाक हमला किया था। यूक्रेन पर पुतिन ने बरसाई मौत। हाइपरसोनिक से कीव को दहलाया। कीव को पहरेदार ने बचाया। पुतिन का प्लान 26 जनवरी यूक्रेन के लोगों के लिए कहर बनकर टूटा। सुबह सुबह लोगों की नींद टूटी नहीं थी कि आसमान से यूक्रेन पर मिसाइलें और ड्रोन बरसने लगे। पुतिन की फौज राजधानी कीव सहित पूरे देश को दहलाने के लिए लगातार हमले करती रही। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से टैंक की खेप मिलने से बढ़ के पुतिन ने इतनी मिसाइलें बरसाई कि कई लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। इसके साथ ही जमकर तबाही भी मची। मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पूरे यूक्रेन में एयर अलर्ट जारी कर दिया गया। यूक्रेन के कई शहरों में धमाके सुनाई दिए जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की मिसाइलें बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती नजर आई। यूक्रेन पर करीब 55 मिसाइल अटैक किया गया जिसमें से 47 मिसाइलों को मार गिराया गया। मिसाइलें कीव, निकोलेव, ओदेसा और नीप्रो समेत कई शहरों पर गिरी। कीव के पास 20 मिसाइलें गिरने का दावा किया गया। हमले में 11 लोगों की मौत भी हुई, वहीं कई लोग घायल हो गए। 35 से ज्यादा मकानों को भी नुकसान पहुंचा है जिसके लिए रूस ने 6 TU-95 बॉम्बर का इस्तेमाल किया। हमले के बाद कई शहरों में पावर स्टेशन बंद कर दिए गए। लेकिन यूक्रेन के एक दावे ने तो कई देशों के होश उड़ा दिए हैं जिसका डर ज़ेलेंस्की, बाइडेन सहित कई देशों को था। पुतिन ने बदले की आग में वो कर दिखाया। यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडर जनरल वालेरी ज़ालुज़नी ने इसे लेकर कई दावे किए। सबसे खौफनाक दावा यह है कि रूस ने यूक्रेन पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। गुरुवार के हमलों में कम से कम एक किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल भी थी। फिलहाल यूक्रेन किंजल मिसाइल को केंद्र में रखकर जांच कर रहा है। दावा है कि किंजल मिसाइल को दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। इसका तोड़ नाटो के पास भी नहीं है। एक बार कमान से निकलने के बाद किंजल अपने टारगेट को तबाह कर देती है। किंजल मिसाइल रूस की हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक यानी हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। 18 मार्च 2022 को रूस ने इंसानियत के इतिहास में पहली बार किसी युद्ध में जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया वो किंजल मिसाइल ही थी, जिसे डैगर मिसाइल भी कहते हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमले में ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 का भी इस्तेमाल किया जो कीव को कई बार जख्मी कर चुका है। कहा जाता है कि अब तक जंग में जितनी चोट शाहिद 136 ड्रोन ने यूक्रेन को पहुंचाई दूसरे किसी और हथियार ने नहीं दी। यूक्रेन ने दावा किया कि इससे पहले पुतिन के उड़ते बमों को कामयाबी मिल पाती वो खुद ही आग के गोलों में बदल गए, क्योंकि कीव की सुरक्षा में लगे डिफेंस सिस्टम को जैसे ईरान के ड्रोन के आने की भनक लगी वो एक्टिव हो गए। इसके बाद उनसे निकली मिसाइलों ने चुन चुन कर पुतिन के भेजे गए ड्रोन का शिकार किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने एक साथ 24 शाहिद 136 ड्रोन हमले के लिए भेजे थे। इनमें 15 आत्मघाती ड्रोन राजधानी कीव के ऊपर मार गिराए गए जबकि बाकियों को अलग अलग इलाकों में ढेर कर दिया गया। त
ताबड़तोड़ हमलों के बाद यूक्रेन में लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। नेटो देश यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए टैंकों की खेप भेज रहे हैं। माना जा रहा है कि यही बात पुतिन को बुरी लग गई और उन्होंने अपना सारा गुस्सा मिसाइल अटैक करके उतार दिया, क्योंकि अमेरिका और जर्मनी ने फिर से वही काम किया जिसके लिए पुतिन लगातार मना कर रहे थे। यूक्रेन पर बड़े प्रहार के बीच बड़ी खबर, आपको बता दें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अब स्लोवाकिया से बड़ी मदद मांगी है। स्लोवाकिया के रक्षा मंत्री के मुताबिक यूक्रेन ने उससे 11 जुजाना टैंक मांगे हैं और इससे पहले भी यूक्रेन स्लोवाकिया से जुजाना टैंक ले चुका है और इस टैंक के कारगर हमलों से प्रभावित होकर यूक्रेन ने और जुजाना टैंकों की डिमांड की है। फैसले के फौरन बाद यूक्रेन पर बड़े मिसाइल अटैक हुए, हमले में 11 लोगों की मौत हुई। कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान में रुपए में बड़ी गिरावट आई है। एक ही दिन में करीब 25 रुपए की गिरावट पाकिस्तानी रुपए में दर्ज की गई है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 255 रुपए तक पहुंच गया। पाकिस्तान में रुपए की गिरावट का असर अब सोने के दामों पर भी पड़ने लगा है। एक तोले सोने की कीमत करीब 5,000 की बढ़ोतरी हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,95,500 रुपए तक पाकिस्तान में पहुंच गई है। पाकिस्तान में गेहूं के बाद अब पानी की भी किल्लत हो रही है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान प्रांत में पानी का संकट गहराता चला जा रहा है। लोगों के पास अब पीने के लिए भी पानी नहीं बचा है। युद्ध की कगार पर इजराइल और हमास, इजराइल ने गाजा पर बमबारी जारी रखी है। फिलिस्तीनी गुट ने सुबह इजराइल की तरफ रॉकेट दागे हैं। दक्षिणी इजराइल में रॉकेट हमले को लेकर के रेड अलर्ट और सायरन भी सुनाई दिया है। गाजा पट्टी से दागे गए 2 रॉकेटों को इजराइल ने मार गिराने का भी दावा किया है। इजराइल के सुरक्षा बलों ने कहा है कि दोनों रॉकेट को वायुसेना ने गिराया है और किसी के इसमें घायल होने की कोई खबर नहीं है। ईरान के तेहरान में अजरबैजान के दूतावास पर हमला हुआ है। फायरिंग करने का ये सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। नाइजीरिया में एयरफोर्स ने गलती से आतंकियों की जगह गांव पर बम गिरा दिया है। विस्फोट में 47 लोगों की मौत। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।